हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा, आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, जिसके लिए मैंने सुबह सुबह घर का सारा काम खत्म करके नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। और नहाते के साथ ही सबसे पहले क्या है ना, मैंने अपने राइस को अच्छे से धो के उसके बाद इसको एक विसल आने तक के लिए पकाने के लिए छोड़ दिया था मैंने। और जैसे एक विसल आया तो इसे चमचे की हेल्प से मैंने काफ़ी अच्छे से घोट लिया, ताकि ये काफ़ी अच्छी रबड़ी जैसी खीर बन के तैयार हो। उसके बाद इसमें मैंने 1.5 किलो के लगभग दूध डाल दिया। वैसे मैंने 2 किलो मंगवाया था, लेकिन राइस के हिसाब से 1.5 किलो एकदम परफेक्ट बैठा था। साथ में ही मैंने आलू और छोले जो व्हाइट वाले होते हैं ना, उनको उबाल लिया था। और मैं बनाने वाली हूँ आलू छोले की आज यम्मी सी सब्जी। तो यहाँ पे जो है मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, और उसके बाद मैंने ज़ीरा और सारे ही मसाले जो हैं घर के बेसिक मसाले, उनको ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। अगर आप जो है लहसुन प्याज में खाना बनाते हैं तो मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि मैं भी इससे पहले जो है ना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती थी। फिर मुझे पता चला जो पितृपक्ष में पितरों के लिए खाना बनता है ना, वो बिना लहसुन प्याज का बनता है। उसके बाद जो है मैंने बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाने लग गई, मतलब कि सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च के अंदर। और इसके बाद यहाँ पे मैंने जब मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, तो फिर यहाँ पे मैंने छोले और आलू हैं उनको ऐड कर दिया है। साथ में कसूरी मेथी डाल दी है, पानी ऐड करके 2 से 3 विसल लगाने तक के लिए छोड़ दूंगी। सारा ही खाना बनके तैयार हो गया था। यहाँ पे जो है अन्नू हन्नी के हाथ से आज पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि उनका एक हाथ में जो है एक्सीडेंट हुआ हुआ है, प्लस्तर चढ़ा हुआ है। तो यही थी आज जो है मेरे ससुर जी की थाली, जिसमें की है पूड़ी, आलू छोले की सब्जी और खीर। और ये जो आप रोटी देख रहे हैं, ये गाय माता की है, क्योंकि गाय माता कभी भी जो है पूड़ी नहीं खाती हैं, वो सूंघ के एक तरफ छोड़ देती हैं। तो फिर जो मतलब वो नहीं खाएं उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनके लिए जो है मैंने रोटी बना दी थी, उनकी फेवरेट। और यहाँ पे जो है इस तरीके से मैं बैठी हूँ घूंघट करके। हम चाहे कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपनी संस्कृति और सभ्यता कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपने ससुर जी के आगे जब भी कभी पूजा करते हैं तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, मतलब आँखों तलक मेरा जो है दुपट्टे का पल्ला होता है, आँखों की शर्म जिसे कही जाती है, तो भाई यहाँ तक मैं घूंघट करके इनके आगे बैठी हुई थी। बाकी पूजा जो है अन्नू और हन्नी बन्नी ने करी थी। उसके बाद हम यमुना नदी गए थे, तो आपको भी यमुना नदी, यमुना माता के जो है मैं दर्शन करवा रही हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। कितना अच्छा पानी भरा हुआ है इस बारी, बरसात काफ़ी अच्छे से हुई है। तो बस यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ, और उस दिन जो है इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि मैंने कुछ भी जो है शूट नहीं किया था। ये चाय की जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। बच्चे जो हैं स्कूल जा चुके हैं, और बच्चों के बाद में जो है मैं और अन्नू चाय पियेंगे आराम से, क्योंकि अन्नू को सुबह सुबह चाय के साथ 2-3 बिस्किट या फिर ब्रेड बटर कुछ भी दे देती हूँ ना, तो उनकी जो विटामिन डी की कैप्सूल हैं वो खा के वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और जब उन्होंने चाय और ब्रेड बटर खा लिया था, उसके बाद में उन्होंने कैप्सूल खाया और वो सो गए थे। तो फिर मैं अपने घर के बेसिक कामों में लग गई, क्योंकि घर का काम तो मुझे ही करना है। इतनी देर में 1.5 घंटे में मेरे घर का काम निपटेगा, इतनी देर में उनकी नींद भी अच्छे से जो है पूरी हो जाएगी। तो वो दूसरे रूम में सो रहे हैं, उस रूम को तो मैं छेड़ूंगी ही नहीं, ना उस रूम में मैं झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि कहा जाता है मतलब जिस रूम में जो कोई सो रहा होता है उस रूम में जो है झाड़ू नहीं लगाई जाती है। तो बाकी जो फ्लोर बचा हुआ था उसको मैंने अच्छे से क्लीन आउट कर दिया, जब वो उठेंगे तो उनका रूम भी जो है मैं बाद में साफ कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा बेड और मेरी जो सेठी है इसे मैंने अच्छे से झाड़ पहुँच के साफ़ सुथरा करके एकदम सेट कर दिया है। और जो धुलने वाले कपड़े हैं वो बाहर ज़मीन पे आपको दिख रहे होंगे, बेडशीट वगैरह और जो थोड़े से कपड़े हैं। और जो चेयर पे जो कपड़े रखे हैं ये धुले हुए हैं, और मैं अभी अंदर से आपको जो कपड़े टप में लाती हुई दिखूँगी ना, वो धुल चुके हैं, केवल उन्हें सुखाना बाकी है। बरसातें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो रात को मैं उठा के टप के अंदर भर के रख देती हूँ, ताकि बदबू भी ना हो और थोड़ी सी घर की हवा से जो है सूख जाएँ। अब जो मैंने बच्चों के लिए सुबह पालक और आलू की सब्जी बनाई थी, जो पालक का मतलब कि निकलता है ना पीछे से जड़ वगैरह, और जो खराब पालक होता है उसे मैं कभी भी कूड़े में नहीं डालती हूँ, वो सब मैं गाय के लिए रख देती हूँ। और जो रूखी सूखी रोटियाँ होती हैं उन्हें भी मैं गाय के लिए रख देती हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा इसमें अनाज रखा होता है, जैसे कि दालें वगैरह, तो इनमें थोड़ी सी घुन वगैरह का ना मेरे को डर लग रहा था, इनफैक्ट किसी किसी दाल में घुन लग भी रही थी। तो मैं इनको छत पर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अभी तक तो जो है मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही इनको रखे हुए मेरे को सिर्फ आधा ही घंटा हुआ था, इसके बाद इतनी तेज की बारिश हुई और मैंने उस बारिश के अंदर अपने ना इन चीज़ों को उठाना भी भूल गई थी सही बताऊँ तो, और ना ये गीले हो गए थे, फिर मुझे बाद में लेकर आना पड़ा।
और इन्हें जैसे तैसे पंखे के नीचे सुखाया मैंने, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, बस ऊपर से आके फिर जो मेरे बाकी के काम थे वो करने लगी, जैसे कि सारी रात की जो पानी की बोतलें होती हैं वो एकदम जो है बिल्कुल खाली हो गई थी, तो इनको भी मैं हाथों हाथ जो है धो के भर लूँगी और इनको भर के अभी थोड़ा सा फ्रिज में लगा दूँगी। हालाँकि अभी फ्रिज का पानी कोई पी नहीं रहा है, लेकिन जो बच्चे वगैरह को थोड़ा सा जिद होती है तो वो पानी पी लेंगे, और साथ साथ में मैं भी अभी आप लोगों के सामने पानी पीने बैठ गई हूँ, क्योंकि हम चाहे कितना ही काम क्यों ना कर लें, कितना ही कुछ क्यों ना भूल जाएं, लेकिन हमको हाइड्रेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो बीच बीच में पानी पीते रहने चाहिए। और यहाँ पे जो है मैंने बोतलों को लगा दिया है फ्रिज के अंदर, और अब मैं आ गई हूँ रसोई को संगवाने, क्योंकि बहुत सारा बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो खलारा काफ़ी सारा हो जाता है, रसोई मेरी वैसे छोटी सी है तो बहुत जल्दी ये फैली फैली सी घूमती रहती है। और यहाँ पे क्या हुआ था ना, जब मैं गैस को अच्छे से चमका रही थी रगड़ रगड़ के सामने वाली टाइल्स को, तभी ना मेरा जो है वो भर जाता ना स्पेस फ़ोन का, तो वो भर गया था, उस वजह से जो है मेरा फ़ोन बंद हो गया, वो सब मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन लास्ट का सीन जो मैं साफ़ कर रही हूँ वो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया था यहाँ पे। और साथ ही साथ जो मेरे बर्तन थे सुबह से लेके अब तक थे, उन सबको मैं धोने लग गई हूँ, और जो भी सुबह का घर का काम होता है मेरा वो सब यही होता है, मेरा क्या मतलब सबका ही होता है यार, जिनके घरों में मेड होती है वो भी तो यही काम करके जाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। मैंने मेड नहीं लगा रखी है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कभी नहीं लगाऊंगी, कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगी तो लगाऊंगी। हालांकि एक बारी मैंने लगाई थी जब मेरे छोटे वाला बेटा हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ था ना, तब मैंने ज़रूर से लगाई थी मेड, वो भी हफ्ते 15 दिन के लिए ही लगाई थी, फिर टांकों में मेरा थोड़ा सा आराम आ गया था तो फिर मैंने हटा दिया था। अब आप साइड में देखेंगे अन्नू उठ गए हैं, वो अपने मोबाइल में लगे हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ सीढ़ियों में, तो बस यहाँ पे जो है झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। और ये मुझे जो 20 का सिक्का है ये मुझे ना सीढ़ियों में मिला, हो सकता है सुबह हन्नी को दिया था तो उसी का ही गिर गया होगा, मैं वापस ला के इसको धो के मैंने रख दिया है, और जब हन्नी आएगा तो उसको बाद में पूछूंगी कि तेरे को मैंने सिक्के दिए थे वो कहाँ गए उनमें से, तो उसी का ही सिक्का था क्योंकि बिल्कुल मेरी सीढ़ियों पे मिला था, जहाँ पे बच्चे बैठ के शूज़ पहनते हैं ना वहीं मिला था। तो ये जो टप में कपड़े रखे हुए थे जिनको मैं बोल रही थी सुखाना है, तो बस यहाँ पे उन कपड़ों को भी मैंने सुखा दिया है, और नहा धो के झाड़ पोछा सब करके अब मैं आ गई हूँ अपनी पूजा करने। सुबह की पूजा जब भी करती हूँ तो मुझे अन्नू की याद आती है, क्योंकि सुबह की पूजा जो है अन्नू ही करते थे, मैं बहुत ही रेयर करती थी, लेकिन अभी अन्नू के हाथ में चोट है तो सुबह की पूजा मैंने ही संभाल रखी है। तो यहाँ पे जो है हमने ना हन्नी से तिल का तेल मंगवाया था, लेकिन वो सरसों के तेल की शीशी ले आया, फिर मैंने सोचा भगवान की जो भी कृपा है उनको अगर इस तेल का ही दिया चाहिए तो वो इसी तेल का दिया मांग रहे होंगे, तो मैंने इसी तेल का जो है दिया जला दिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मेरे घर का जो है सारा काम हो चुका है आप लोगों के सामने, आप लोगों से बातें करते करते पूजा पाठ भी जो है मेरी हो चुकी है। आज का ये ब्लॉग था मेरा छोटा सा जो कल से चलता हुआ आ रहा था, होप सो कि ये ब्लॉग आपको बेहद पसंद आया होगा, अगर जरा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।